मेरा जो बाइक था, जिस बाइक से मोटर व्लॉग स्टार्ट किए थे, वो हो चुका था चोरी। 26 साल पुराना बाइक लेके मोटर व्लॉग कौन ही देखना पसंद करेगा। तो भाई लोग कैसे हो आप सब, आई होप सब अच्छे होंगे। तो भाई लोग आप सभी का स्वागत है मेरा 2 साल बाद वाला मोटर व्लॉग में। तो अभी हम लोग सोच रहे हो कि 2 साल बाद वाला मोटर व्लॉग क्यों बोले। तो 2 साल बाद वाला मोटर व्लॉग बोलने का रीज़न ये है कि इसके पहले मैंने 2022 कुछ 24 जून में लास्ट मैंने मोटर व्लॉग अपलोड किया था। उसके बाद से एक भी मोटर व्लॉग अपलोड किए नहीं, और आज ये वाला व्लॉग मैं अपलोड करूँगा। और आज हो रहा है 2024 का 14 जुलाई। तो इतना दिन से मोटर व्लॉग अपलोड नहीं करने का बहुत सारा रीज़न था, और उसी में से जो मेन रीज़न था वो है मेरा जो बाइक था, जिस बाइक से मोटर व्लॉग स्टार्ट किए थे, वो हो चुका था चोरी, जिसकी वजह से इतना दिन से मोटर व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो अब सोच रहे कि यूट्यूब पर रेगुलर रहने का और मोटर व्लॉग डेली डेली अपलोड करने का। तो अभी सुबह का कुछ 7 बज रहा है और मैं निकल चुका हूँ बाइक लेकर घर से। तो अभी कुछ देर पहले ही बारिश हो रहा था और अभी देखो मौसम पूरा साफ हो चुका है, तो मैंने निकल पड़ा बाइक ले कर। तो अब चलते जाते बालीकल के तरफ। तो वह लोग बाइक जब चोरी हुआ था उसके बाद तो मोटर व्लॉग करने का एकदम मन ही उठ चुका था, क्योंकि मेरे पास और बाइक भी था नहीं, जिसकी वजह से व्लॉगिंग को तो कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। और बाइक चोरी होने के बाद लगभग वही 4-5 महीने तक तो एक भी वीडियो अपलोड किए भी नहीं थे अपने चैनल पर। फिर 4-5 महीने बाद मैंने स्टार्ट किया था नॉर्मल व्लॉगिंग, जो डेली व्लॉगिंग रहता है वो स्टार्ट किए थे, लेकिन वो भी टाइम की वजह से नहीं कर पाए थे, क्योंकि जो मेरा गैरेज का काम रहता है उसकी वजह से टाइम नहीं दे पा रहे थे। क्योंकि गैरेज में मुझे सुबह को ही 10 बजे से शाम को 7-8 बजे तक गैरेज में ही रहना पड़ता है, जिसकी वजह से नॉर्मल व्लॉगिंग को भी टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो लेकिन अब कुछ महीने से मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड करना स्टार्ट किया अपने चैनल पर, और अब जाके मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया मोटो व्लॉगिंग। तो अब डेली रहने का कोशिश करेंगे मेरे से जितना हो पाएगा। तो भाई अभी तक आप लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो एक लाइक कर देना वीडियो को, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और अभी मैं आ चुका हूँ नीम तल्ला का मोड़ में, और देखो बच्चे लोग अब स्कूल जा रहे हैं सुबह को ही। तो चलते अब। और आप लोग कमेंट करके बताओ कि अभी मैं कौन सा बाइक चला रहा हूँ। बारिश होने की वजह से मौसम अभी ठंडा हो चुका है, गर्मी उतना ज़्यादा है नहीं, और सुबह का टाइम भी है तो रोड देखो कितना खाली है। अब 9 बजते ही एकदम रोड एकदम खचाखच भर जाएगा। तो चलो अब बाइक को थोड़ा भगाते हैं। तो वह लोग अभी मैं आ चुका हूँ लाल बाबा कॉलेज। तो चलते हैं बेलूर बाजार तक, फिर वैसे घुमा लेंगे। और इधर आते ही देखो रोड का हालात, देखो इधर का। तो इधर अभी थोड़ा भीड़ ज़्यादा है, क्योंकि लियो का साइड में कारखाना है, तो उधर सब ट्रक सब निकल रहा है अभी। Thank you.
और ये रहा हम लोग का बेलूर मठ। तो भाई लोग इतना देर तक आप लोग जो भी मेरा वीडियो देख चुके हैं, तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताओ, और अच्छा लगा है तो एक लाइक भी कर दो वीडियो को। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि अभी सबको तो सुपर बाइक्स देखना पसंद है। मेरा ये 26 साल पुराना बाइक लेके मोटो व्लॉग कौन ही देखना पसंद करेगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते, मिलते अगले और एक नया वीडियो में। तो अभी मैं घुस चुका हूँ अंदर वाला रोड में, और चलते अब घर की तरफ। और आज का वीडियो को यहीं तक रखते, मिलते हैं अगले और एक नया वीडियो में। तब तक के लिए बाय।